मैं इसका एक रिव्यू अच्छे बनाने भाई से बनाने वालों की स्वागत है आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान से मिलाने वाला हूँ जिनका नाम है मनीष पांडे जी जो रणवीर इलाहाबादिया भाई के मेंटोर है इन्होंने भुवन बाम प्रजक्ता कोहली और इवन अंकुर वारीकूजी टेक बर्नर ये सारे लोगों को आप बोल सकते हो काइंड ऑफ मेंटोर किया है एडवाइसिस दिया है सिखाया है चीजें अंकुर को जी ने तो एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था इनके लिए थैंक्स बोलने के लिए बिकॉज उन्होंने इतनी हेल्प की थी उन्हें ग्रो होने में काइंड ऑफ आप बोल सकते हो बनीश भैया ना जो स्टॉक के भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर रह है चुके हैं जिन्होंने काफी ज्यादा हेल्प करी है जो स्टॉक को ग्रो करने के लिए ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में भी सोशल मीडिया से रिलेटेड बातें करते हैं उन्हें सिखाते हैं रिलायंस में भी इन्होंने कंसल्ट करा है कई सारे यूट्यूबर्स को ये चीजें सिखाते रहते हैं मुझे भी कई सारी चीजें सिखाई है बताई है उनसे आज हम बात करने वाले और कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें सीखने वाले हैं सोशल मीडिया पर कैसे सेलेबल कॉन्टेंट बनाना है अपना ब्रांड कैसे बनाना है सोशल मीडिया पर ग्रोथ कैसे होनी चाहिए ऐसी कई सारी अमेजिंग बातें उनकी पर्सनल स्टोरी जो कि काफी इंस्पायरिंग है मेरे से आपको जरूर सुननी चाहिए वो सारी बातें आज के इस एपिसोड में हमने डिस्कस करी है अच्छा स्टार्ट करने से पहले दो रिक्वेस्ट भी है मेरी मैं चाहता हूं कि ना आप कमेंट करके जरूर बताना कि इस पूरे सेगमेंट में सबसे बेस्ट पार्ट आपको कौन सा लगा है वो आप कमेंट करके जरूर बताना और दूसरी चीज मैं चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है मनीष भाई के लिए ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उनसे मिलू तो कौन से क्वेश्चन आपको लगता है मुझे पूछना चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ठीक है अभी लेट स्टार्ट विद द पॉडकास्ट थैंक यू सो मच मनीष भाई आने के लिए एक्चुअली मैं आया हूँ मॉन्की के ऑफिस में हम लोग ये अब बिग ब्रेन का ऑफिस हो गया बिग ब्रेन का ऑफिस है सॉरी तो बिग ब्रेन के ऑफिस में हम लोग आ गए डिस्कस हो रहा था कि कहाँ करेंगे क्या करेंगे करेंग। मेरा जो स्टूडियो ना वो थोड़ा छोटा सा हाँ। तो उसमें दो लोग मेरे को कंफर्टेबल नहीं होगा बहुत सी थोड़े टेक्निकल इश्यूज भी थे तो so, हम लोग सोच रहे थे so, कहा मिलके शूट करें तो एट द एंड फिर मनीष भाई ने अरेंज किया तो फिर यहीं पे कर रहे बहुत टाइम से मेरा प्लान था मिलने का रणवीर को थैंक यू बोल सकते हैं रणवीर भाई के लिए थैंक यू शाउट आउट भाई के लिए मनीष भाई से एक्चुअली मैं बहुत टाइम से मिलना चाहता था क्योंकि पता चला था सब कि रणवीर भाई आप उनको मेंटर कर रहे हो एंड ही इज डूइंग सो ग्रेट कितना अच्छा कर रहा है अभी मैं रिसेंटली एक बुक पढ़ रहा था थर्टी डेज थर्टी चेंज योर हैबिट चेंज योर लाइफ उसके अंदर भी एक लेसन काफी पावरफुल था जो हम लोग डाल रहे थे कि हैव अ मेंटोर या या और मेंटोर होना कितना जरूरी होता है हर एक इंसान की लाइफ में कबीर के दोहे भी है कई सारे बहुत hmm. पावरफुल जिसके अंदर कई बार गॉड के लेवल से भी कई बार कंपेयर right. किया जाता है कि मेंटर होना कितना ज़्यादा जरूरी होता है अगर आप लोगों को नहीं पता तो बता दूं भाई ने इतने सारे यूट्यूबर्स को मेंटर किया है और वो तो भी जब से आया हूं मैं देख रहा हूँ कि भाई सबको है ना कुछ ना कुछ सजेशन और हेल्प करे ही जा रहे हैं और इज़ वेरी हेल्पिंग थोड़े टाइम भी समझ में आ गया ये चीज तो रणवीर भाई को ही <laughs> बात नहीं मतलब ठीक है मुझे ना मैं बहुत जानबूझ के ये बोलता हूँ

जो है कि मेरे को लगता है कि राज में बहुत पोटेंशियल है ओके okay. और वो बहुत तोड़ फोड़ कर सकता है नहीं है वो भाई तो वो मतलब है उसमें पार है ना रोहित भाई भुवन भाई लोके से भी बात करते रहता हूँ मैं है ना मतलब मज़ा आता है मुझे यू नो द ऑल इन ऑल मुझे ये आता है बहुत मज़ा आता है मैंने अंकुर सर के साथ भी बहुत बातें करी और मतलब सिखाया क्या मैं बहुत खुद ही सीखा उनसे तो okay. तो थोड़ा बहुत हमको YouTube YouTube का थोड़ा बहुत आता है तो कौन सा चीज़ कैसे थोड़ा सा चेंज करना है उसे कैसे ये आएगा तो यही सब बेसिकली मुझे बहुत विश्वास है यार इस हमारे जनरेशन में वन ऐसे हमारे जनरेशन मैं तो मैं तो फिर भी अपने आप को बुरा समझता हूँ एज एक्सपीरियंस से और थोड़ा और uh, मुझे लगता है जो यंग जनरेशन है वन ऐसे यंग जनरेशन एनीबडी बॉर्न आफ्टर नाइनटीन नाइन्टी से के बाद जो अभी बॉर्न हुए ना बहुत पावरफुल जनरेशन है बट एट द सेम टाइम इसी जनरेशन को ना डायरेक्शन का भी बहुत जरूरत है राइट एंड कंटेंट क्रिएशन और ये जो फील्ड है मतलब आप सोचो कि चार पाँच साल पहले कुछ नहीं था ना कुछ भी नहीं तो था कुछ लोग वीडियोस बना रहे थे यूएस uh, में यूके में और ऐसे वेस्ट में थोड़ा बहुत शुरू हो गया था बट बट हमारे यहाँ भी अभी, अभी देखोगे कि आज बोलते हैं oh, ओ देखो आशीष ने कितना बड़ा है भुवन बाम कितना बड़ा है रणवीर कितना बड़ा है यू you नो know, बी यूनिक कितना बड़ा है ऑल ऑफ दैट राइट बट वो सात आठ साल हो गए वो लोग बेचारे मेहनत कर करके करके कर करके कर, 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 एक एक वीडियो बना बना के डाल डाल के यू नो थके नहीं वो लोग इसकी वजह से आज हम उनकी बातें करते हैं या या कोई कोई ऐसा बोलते अरे लॉकडाउन के अंदर अंदर क्रिएटर बन गया भूल जाओ लॉकडाउन को 2019 में चालू हुआ था ये 2021 में हम लोग बैठे हैं भाई दो साल लॉकडाउन चला है तो दो साल इसका मतलब सम अराउंड 700 डेज राइट जिशान भाई 700 दिन कोई मेहनत करेगा एक चीज पे

एक चीज को पकड़ो और शिद्दत से उसके पीछे लग गए तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता ना एग्जैक्टली exactly. तो सबसे ज्यादा ये देखा है है ना कि कि लोग लोग थक जाते हैं उनको लगता वीडियो तो वीडियो शूट कर लिया दस वीडियो डाल दिया अभी वो आ जाना चाहिए मिलियन व्यू नहीं आएगा नहीं आएगा मैं जितने भी कंटेंट क्रिएटर से मैं बात करता हूँ और नए जो मुझे बहुत ई मेल्स आते हैं राइट राइट मैं कुछ को रिप्लाई करता हूँ कुछ को नहीं करता हूँ जानबूझे क्यों पता है मैं पढ़ता हूँ तभी मुझे समझ में आ जाता है कि यार ये ना फैंसी के लिए ईमेल लिखा है इसने मैं बोलता हूँ कि तुम

तो यदि आप आज नहीं कर रहे हो ना तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप हो नहीं है, बहुत से लोग मैं देख रहा हूँ मेरे मेरे कुछ फ्रेंड्स भी है यूट्यूब पे वो लोग ऐसे ऐसे लोग भी है जिन लोगों को मैं जानता हूँ था था, हाँ, आप इसकी बात कर रहे हो झारखंड का एक लड़का है ना हाँ, उसने भी वो का नाम भूल गया हेमंत 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 नाम है उसका लड़के का करने वाले मतलब करना चाहे ना तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं और अब खुद से अपने जुगाड़ जो भी करना है ना वो करके कर लेता है लेकिन हाँ ये तो है कि स्पेस बहुत बूमिंग है मतलब 2015 जब मैंने स्टार्ट किया था 2016 से स्टार्ट किया था मैंने अभी तब सिर्फ स्टार्ट ही हो रहा था ये चीज़ वेस्ट में काफ़ी लोग कर रहे थे वहाँ पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ये सब चीज़ तब चालू हो गई थी यहाँ पे तब स्टार्ट ही हो रहा था भाई आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई मतलब आप कैसे इस स्पेस में आए और इतने सारे लोगों को मैंटेर करना इसका स्टार्टिंग कैसे था बहुत एक्सीडेंट था ये बेसिकली मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में एक यूनिट है उसमें मैं काम करता था सिक्योरिटी न्यू यू नो न्यू वेंचर्स

और मैं भी गया था वहाँ पे बिकॉज मैं टेडेक्स वाले यूनिट में जुड़ा हुआ था रघु सर भी बात कर रहे थे ओके okay. तो मैंने रणवीर को वहाँ पे टॉक देते हुए देखा तब रणवीर का एक आई थिंक एटी नाइनटी थाउजेंड सब्सक्राइबर था यूट्यूब चैनल पर hmm. दो हजार सोलह पंद्रह या सोलह की बात है आई थिंक पंद्रह की बात है तो आ, उसके बाद हम मिले उसके बाद हम मिलते गए एक दो बार और मिले और रणवीर ने थोड़े अपने लाइफ के बारे में एक्सप्रेस किया और उसने बोला कि मुझे ब्रेकआउट करना है मुझे नेक्स्ट लेवल पर जाना है

तो लीडरशिप टीम में तो आ, वो था वो था तो ये मिक्स्ड मिक्स्ड पूरा था हम लोग का दोस्तों का एक ग्रुप बन गया मतलब जोशॉक्स की टीम रणबीर की टीम विराज और विराज की टीम और फिर बाकी कंटेंट क्रिएटर की बन गया हाँ तो वैसा एक एक, एक ग्रुप सा बन गया एक दूसरे को हेल्प करते रहो करते रहो एंड दिस इज हाउ इको में पूरा मतलब नाम हो गया मुझे ना बिहाइंड द सीन रहना बहुत अच्छा लगता है अच्छा तो, हाँ मतलब तो, तो मैं वही रोल अपना अदा करता हूँ

कि अपना भी एकदम पूरा फुल हो प्रोपर्टी हाँ। हो बंगला हो गाड़ी हो कुछ नहीं मतलब आप यदि ऑफ द कैमरा यदि रणवीर से विराट से या किसी से भी मेरे बारे में बात करोगे जो मुझे जानते हैं भाई मैं बोल रहा हूँ ना मैं आधे घंटे पहले आया मैंने नोटिस करके वो जाता है सामने वाला इंसान मतलब वो जो गिविंग रहता है नेचर कि देखो क्या प्रॉब्लम है चल मैं बताता तो, हूँ मैं ये कर देता हूँ मैं वो दिख के मेरे को समझ में आ आया हाफ एनआर के अंदर ही समझ तो मुझे ये इसी में मजा आता है आई टेल यू इसके पीछे जिसमें एक कहानी है कहानी ये है कि जब मैं बड़ा हो रहा था ना तो चीजें ना उतनी ठीक नहीं थी और मैं actually, मैं मैं ना एक्चुअली रोज यू बोलता हूं भगवान को कि कि थैंक थैंक गॉड गॉड गरीब घर में पैदा हुआ वो मैं थोड़ा भी एक जोश्स कराए पुश कर के और शोभित सुप्रिया हमारे बोला हमारा अपना प्लेटफॉर्म है और तुम्हारी कहानी है तुमको बोलना चाहिए के जो स्टॉक था उसमें डिटेल में बात किया तो बेसिकली मैं थोड़ा सा एक, थोड़ा सा सा एक मतलब क्या नाइनटी परसेंट ऑफ इंडिया वैसी है कि हम लोग थोड़ा सा गरीब गरीग गरीग। मतलब मिडिल मिडिल क्लास क्लास नहीं नहीं बोलता मैं क्यों था class, यार गरीब परिवार में मैं पैदा हुआ मेरे पापा बहुत मेहनती इंसान थे उन्होंने वो सिक्योरिटी गार्ड थे एक पहले फैक्ट्री में फिर एक बैंक में तो मैं मुझे बहुत बचपन में ये समझ में आ गया क्योंकि मैं घर में झगड़े और वो सब दिखता था और सबका रूट कॉज ना पैसे का ना होना किल्लत यही सब होती थी तो मैंने मैंने देखा था वो सब तो मैंने बोला यार ये ना मुझे, करना है। मुझे से दस साल से मेरे दिमाग में था कि ये मुझे फर्स्ट सेकेंड थर्ड में ही आता था ऐसा वाला हिसाब था अच्छा तो नेपाल में जब हमारा जान आने जी के यहाँ रहते थे घर के सामने ना एक दीदी थी उनका चाय का दुकान था अपना छोटा okay. चाय का दुकान और वो हमारी फैमिली उनकी दोस्त थी वो खुददार लोग मेहनती लोग ना भीख मांगने से, से चाय बना रहे हैं। उसमें क्या है right. खुददार लोग लो, मेहनती मेहनत नेपाली लोग बहुत खुददार होते हैं हाँ. मुझे नेपाली लोग बहुत इंस्पायर कर रहे हैं हाँ. तो उनका जो बेटा था ना वो फेल होता था वो मस्ति करता तो वो दीदी मतलब क्या मौसी बोलते थे मतलब मम्मी की बहन टाइप की मौसी तो वो मौसी मेरे पास आई और बोलती है तू यार फर्स्ट आता है इसको थोड़ा बहुत पढ़ाएगा क्या मैं पैसे दूंगी

फिर जब मैं पापा के साथ शिफ्ट हो गया तो मैं देखा कि पापा 21-2200 रुपए महीने कमाते हैं और ये बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ मैं आपको 2002-2003 दो दो की बात बता रहा हूँ okay. मतलब 20 साल पहले 20 साल पहले की बात है ना okay. 20 साल पहले मेरे पापा 2200-2300 कमा रहे हैं और मेरे पापा वॉचमैन हैं वो उनके जो दोस्त हैं वो कौन है ड्राइवर खलासी लेबर फिटर फैक्ट्री में है ना तो मैं उनके बच्चों को मैं खुद से जाके अपने आप को सेल्स पिच देता था वहां पे तब मेरे को पता नहीं सेल्स पिच होते थे <laughs> मैं बोलता था अंकल को बोला अंकल नमस्ते आपके बच्चे लोग को मैं देखता हूँ दिन भर खेलते रहते हैं ऐसे कर, थोड़ी चलेगा पढ़ाई करना चाहिए ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए तो मैं थोड़ा सा वो करके बोलता हाँ बेटा लेकिन अच्छा टीचर के पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ा के तब जिसान दो हजार दो तीन में आ, मैं खुद एट्थ स्टैंडर्ड में था मेरे पापा इक्कीस कमाते थे और मैं चौबीस पच्चीस सौ कमाते Okay. <laughs> ये ट्यूशन व्यूशन पढ़ा के ना, दो सौ दो सौ ढाई सौ करके okay. तो मेरा था था। वो पैसा फिर मैं हम लोग मम्मी और बहन के लिए गाँव में और हुँ. मेरे पापा का जो पैसा इक्कीस बाईसो होता था तो हम लोग वो वॉचमैन का, का जो कैबिन होता था उसी में रहते थे एकदम छोटा सा इससे भी कम आधा जगह राइट आई मीन सिक्योरिटी कैबिन देखा है आपने तो छोटे छोटे फैक्ट्री के सामने जो होता है तो वही हम लोग अपना बाप बेटा खुश रहते थे मैंने ना जिसमें दो चार चीजें देखी जैसे हम लोग राशन लेते थे तो राशन कैसे लेते थे उधार पे लेते थे राइट कि अभी पगार आएगा तो तो देंगे ना ना सामान एक उठा लिया कभी कभी ना देने में डिले होता था कभी पैसा इधर उधर खर्च हो जाता था यू नो कभी बीमार हो गए कभी कुछ हो गए कभी साइकिल बनाना है पापा का साइकिल बनाने में तीन सौ चार सौ खर्चा हो गया एक्स्ट्रा या मम्मी ने ज्यादा थोड़ा मांग लिया तो वो एक्स्ट्रा भेज दिया तो क्या होता था कि यार वो दुकान वाले ना बहुत बेइज्जती करते थे यार कि पहले पैसा दो उसके बाद सामान देंगे वो देख के ना मेरे को बहुत थोड़ा सा ऐसा गुस्सा था आता था और मैंने ना मैं मैं ना हमेशा ये सोचता रहा कि यार मेरे ऐसा क्या करूँगा कि मेरे पापा को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े तो मेरे दिमाग में वो था तो मैं वही दिमाग में रख रख के फिर एक दिन क्या हुआ कि नवोदय विद्यालय सिस्टम एक होता है जवाहर नवोदय विद्यालय गवर्नमेंट का स्कीम है अच्छा उसमें लैटरल एंट्री खुला मतलब नवोदय विद्यालय में ना सिर्फ सिक्स में एंट्री होती है बट उस साल उन्होंने थोड़ा सा ऐसा किया कि नया एक रूल लगाया कि नाइन्थ के बच्चों को भी लेंगे हम लोग अच्छा तो मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था, था सिलवासा में तो वो नाइन्थ में एग्जाम दिया और मैं पास हो गया मैं बोला ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इधर तो जाना पड़ेगा राइट क्योंकि वो नवोदय विद्यालय में कैसा होता है कि आप स्कूल चले गए ना एक बार हॉस्टल है वो पूरा और उसमें आपका टूथपेस्ट से लेके रात तक का पूरा खर्चा गवर्नमेंट उठा दिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उठा दिए सेंट्रल गवर्नमेंट से रन है वो ओके तो उसमें सेलेक्ट बच्चे एकदम स्कॉलरशिप जैसा है समझ लो उसको एक्चुअली बच्चों का यूपीएससी बोलते हैं मतलब बहुत क्रेज है आप यदि यूपी राजस्थान मध्य प्रदेश जवाहर नग विद्यालय के बारे में पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा बहुत क्रेज है ऐसे दस दस हजार बच्चे एग्जाम देते हैं और ऐसा पचास तीस ऐसा लोग पास होते हैं ओके और वो उनको फिर छह से लेकर बारह तक स्कूल गवर्नमेंट पढ़ाती है फुल ऑन खर्चा गवर्नमेंट का तो अपन बोलेगे तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी अपने लिए है ना चले गए और फिर क्या होता था कि गर्मी के छुट्टी में जब आता था ना मैं तो गर्मी का एक महीने का छुट्टी होता था तो नाइन टेंथन्थ ट्वेल्थ तो वो छुट्टी में मैं मिल्टन जो बर्तन बनाता था, था ना उसके फैक्ट्री में काम करता था जाके पर डे सिक्सटी रुपीज अपना वही लेबर क्लास काम वो सब करता था फिर ट्वेल्थ के बाद क्या हुआ ट्वेल्थ के बाद मैं बोला यार ये सब मैं करते रहूंगा तो मैं ज्यादा से ज्यादा वो सुपरवाइजर और ये वो बन के रह जाऊंगा क्योंकि अपने को थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है ये वो स्कूल में ट्वेल्थ तक पढ़ाई कर लिया साइंस पढ़ा थोड़ा सा पढ़ने में ठीक ठाक था मैं राइट मेडिकल का वो भी क्रैक हुआ डिफरेंट स्टोरी अच्छा okay. uh, तो डॉक्टर बनने का ऐसा इच्छा था मुझे वो हुआ नहीं कोई बात नहीं थैंक गॉड नहीं हुआ वो मैं देखता हूँ मेरे कुछ कुछ डॉक्टर दोस्त आज भी पढ़ाई करते हैं बोला भाई अपन <laughs> बच गए तो यू you नो know, फिर मैं पुणे आ गया मैं हिम्मत किया थोड़ा अच्छा मैं ऐसा बीच में एक बार सोचा था कि क्या जिंदगी है सुसाइड कर लेता हूँ ये वो ऐसा भी नहीं ख्याल खा, आता है ना अब आप आपका रोज गरीबी, गरीबी 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 दिमाग खराब हो गया था फिर मैं बोला नहीं, नहीं यार मैं अपना ऐसा किया तो फिर मेरी बहन का क्या होगा मेरी छोटी बहन है एक दो साल ही छोटी है मेरे बोला उसको मैं पढ़ाऊंगा राइट तो मेरा दिमाग में ऐसा आया था तो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता था मैं मुझे लगता था कि मैं शेयर करूंगा तो बोलेंगे बड़ी बड़ी बातें कर रहे राइट वो होता है ना

पुणे स्टेशन आ हाँ गया भाई वहाँ से अपनी करियर स्टार्ट हुई फिर मैं कॉल सेंटर में कहीं से कहीं से पहुँचा फिर मैं स्टार्ट किया डोमेस्टिक कॉल सेंटर से दिन में कॉल सेंटर जाता था रात को मैकडोनल्ड में काम करता था दो जॉब करता था कॉल सेंटर में पाँच हज़ार ही सैलरी मिलता था वो डोमेस्टिक था 2007 की बात है hmm. तभी स्टार्टिंग हुआ था ये सब कॉल सेंटर इंडस्ट्री है वो 2005 हज़ार में स्टार्ट हुआ था उसके बाद मैं धीरे से एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर में गया इंटरनेशनल कॉल सेंटर के बाद तीन चार साल मेहनत करके फिर एक फॉर्म में गया वहाँ पर मैं मार्केट रिसर्च करने लगा वहाँ के बाद मैं प्री सेल्स करने लगा फिर डिजिटल मार्केटिंग में आ गया क्योंकि चार पाँच साल नाइट ड्यूटी करके थक गया था तो प्री सेल्स करे डिजिटल मार्केटिंग में आ गया फिर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में लोगों का वेबसाइट वेबसाइट के लिए कॉल करके बेचना कि वेबसाइट बनवा लो ये करो वो सब करता था फिर धीरे धीरे सोशल मीडिया फील्ड में आ गया फिर भाई वन थिंग लेट टू अनादर टू अनादर टू अनादर कैसा चेंज हो गया पता नहीं आज मेरे को कभी कभी मैं खुद को चुमटी काटता हूँ कि यार सच में सच है कि मैं सपने में जी रहा हूँ कि क्या मेरे को विश्वास नहीं होता है और पता नहीं यार कैसा क्या हो गया बहुत इंस्पायरिंग तो बहुत ये, ये कहानी है अपना छोटा मोटा बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है अरे जिजान मैं मैं ना ये ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहता हूँ ये मैं जो कहानी बोल रहा हूँ ना ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 90% इंडिया को सच में ये 90% इंडिया की कहानी है भाई और मैंने जानबूझ के को थोड़ा बहुत पता था आडिया था स्टोरी का लेकिन मैं जानबूझ कहता था आप शेयर करो कि को इंस्पिरेशन मिलता अभी कुछ लोग मैक्सिमम लोग ऐसी कंडीशन में जहाँ बहुत फाइनेंशियली प्रॉब्लम में

लेकिन वो यदि कुछ नहीं कर रहा है और तो वो सिर्फ बहाना मार रहा है सिर्फ बहाना मार रहा है राइट तो मैंने बोला था कि आप मेहनत यदि नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं हो सकता जिंदगी में मेहनत करनी पड़ेगी ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ेगी सही डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा का। और सक्सेस को लेके ग्रोथ को लेके ऐसा दो साल में ही मेरे को ऐसा बनना है वो मत सोचो प्लीज प्रोसेस है देखो मैं आपको ब्रेक डाउन करता हूं और ये एकदम इससे ज्यादा आसानी से समझा नहीं सकते एक इंसान एवरेज यदि जिंदगी जिएगा यदि भगवान के कृपा से कुछ उसको बीमारी बीमारी नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ तो सत्तर साल ठीक है एवरेज पकड़ लेते हम पहला पंद्रह से अठारह साल स्कूल कॉलेज और वो सब बिता देते हैं राइट अठारह के बाद बाईस में ही आपको क्यों मिलियनर बनना है भाई आप अठारह के बाद दस साल दो ना प्लीज मिलियनर बनो या जो भी बनना है आपको लेकिन दस साल का प्रोसेस रखो ना किसी एक काम आप यदि कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो ना तो आप माइंड सेट रखोगे दस साल कंटेंट क्रिएशन करूंगा तब जाके आप चमकने वाले आज हम लोग एग्जांपल लेते हैं राइट एक तो हमारे देश के लोग और फिर हम ऐसा इंटरनेशनल लेते हैं अभी नाच डेली ने पूरा सबमिट किया था, था। दुबई में पूरी दुनिया के सब क्रिएटर लोग गए थे वहां पे रणवीर लोग भी गए थे अब वो सोचो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं नाच डेली वो केसी नाश्ता के कोई मतलब हाँ मुझे रणवीर के थ्रू ही पता चला था वो बहुत सही बदला है राइट और नाइकी वाइक का कैंपेन डिजाइन करता है क्या सही है फिर इतने अली अब्दाल ऐसे अच्छे अच्छे लोग हैं राइट ये लोग ऐसा सात आठ दस साल हो गए यार

क्योंकि वो कौल, जिस कॉलेज में पढ़ रहे है, हाँ। हाँ। तो है। हैं और जेप्टो देखो ऐसा एकदम बढ़िया मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी बन गई है ना अभी है ना दस मिनट में डिलीवरी है वो तो माई पॉइंट इज वो उन्नीस बीस साल के कुछ स्पेशल बच्चे हैं वो उन्होंने कुछ स्पेशल क्रैक किया है राइट तो हम हम चलो मान लेते हम लोग नहीं है भाई स्पेशल

वो छोड़े नहीं थे जब हाँ। तक है ना वो काम कर रहे थे उनको जब एकदम हंड्रेड परसेंट ये बहुत अच्छा मेरे को रेवेन्यू कमा के देगा ये बहुत 100, मतलब बहुत श्योर थे तब जाके उन्होंने ड्रॉप ड्रॉप आउट आउट लिया लिया ऐसे नहीं पहले ले, हाँ। ले। हाँ। तो ये जो स्मार्ट लोग रहते हैं ना मतलब ये लोग जो करते हैं बहुत चुनिंदा लोग होते हैं वो लोग बहुत अच्छे से घुस गए रहते हैं उनको एक जब ए टू जेड एकदम श्योरिटी मिल जाती है ना तब वो लोग छोड़ना चालू करते हैं आजकल मैंने ये बात सही बोला की स्टार्टअप कल्चर चला हुआ सबके दिमाग में आता है चलो स्कूल कॉलेज छोड़ देते हैं और स्टार्टअप करते हैं लेकिन उसके पीछे कोई बड़ा विजन नहीं रहता कुछ बड़ा

तब जाके ऐसा किसी चैनल पे दो मिलियन किसी पे तीन मिलियन किसी पे ऐसा करके टोटल मिला के बीस बाईस मिलियन का सब्सक्राइबर बेस है राइट लेकिन सेवन इयर्स हमको बहुत अच्छे से याद है हमारा पहला फिफ्टी के डेढ़ साल में हुआ था फिफ्टी के सब्सक्राइबर डेढ़ साल में हंड्रेड के सब्सक्राइबर आठ महीने में मतलब डेढ़ साल प्लस आठ महीना हंड्रेड के सब्सक्राइबर हंड्रेड के से फाइव के फिर चार पांच महीने हुआ था और था बाद में उन्होंने टीम बनाया मेहनत किया स्ट्रक्चर किया पूरा सब कुछ चेंज किया तब जाके ऐसा अभी हम बोल रहे हैं अरे ओवरनाइट सक्सेस नहीं है उन्होंने खुद ऐसा बहुत सारे मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ जैसे अभी ये किताब में जितने भी क्रिएटर्स जो है हमारे राइट right? ये लोगों ने वो जियो से पहले स्टार्ट किया था तो देखना छोड़ो अपलोड करना भी तो महंगा था राइट right. तो आप वो क्यों डिस्काउंट करते हो प्लस अभी रिंग लाइट आ गया रिंग लाइट कॉन्सेप्ट भी नहीं था रिंग लाइट का था क्या चार साल पहले स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं।, नहीं था तो वो लोग कुछ कुछ जुगाड़ करके करते होंगे बेचारे या महंगा था मतलब प्रोफेशनल लाइट मंगाओगे टीवी मतलब प्रोफेशनल लाइट ये वो तो सिर्फ फिल्म वाले और टीवी वाले वही लोग यूज अब हमारे थोड़ी आज देखा लाइट वाइक चमका के स्टूडियो का मतलब क्या था स्टूडियो मतलब अरे स्टूडियो है उधर गाना वाना बनता है उधर ये नॉर्मल इंसान स्टूडियो के बारे में सोचता था क्या तो चीजें चेंज हो गई है दोस्त आपके पास स्मार्टफोन है और दिल में हार्ड वर्क करने का यदि जज्बा है ना तो आप आज के जमाने में कुछ भी कर सकते हो आप गरीब पैदा हुए लेकिन आप गरीब मरोगे तो आपकी गलती है पैदा गरीब हुआ है आपके कंट्रोल हाँ, में नहीं Same मैं अपने पापा को मम्मी को नहीं कोस सकता वो उनका अपना बिचारों का सेटअप था उन्होंने फिर भी यार वो उन्होंने उनके दम पे जितना हो सकता है पूरा लगा के उन्होंने कुछ ना कुछ तो हमारे लिए किया एटलीस्ट संस्कार तो अच्छे दिए वो लोग को मीन हाँ वो मेंटालिटी नहीं मिल पाया अभी कैसे हाँ। अपने अपनी अच्छी चीज क्या हुई अभी की जनरेशन लोग के पास इंटरनेट है इंटरनेट पे भी कैसा मैं बिल गेट्स के स्पीच देख लेता हूँ बड़े बड़े लोगों की आ, पहले लोग के पास ये सब नहीं था पहले वाले अपने जिन लोग के बीच में रहते थे वो ऐसी माइंड सबसे इम्पोर्टेंट होता है और वो नहीं पता था लॉकडाउन लगाना में लगा राइट मैं अपने आपको एक प्रॉमिस किया स्टैंड और हार्वर्ड का यूट्यूब चैनल पे जितने वीडियोज है मुझे नहीं पता कौन से कौन से सब्जेक्ट पे मैं बोला ए टू जेड सारी वीडियो देखूंगा टोटल बाईस सौ वीडियो है दोनों चैनल पे मिला के बाईसो से थोड़ा ज्यादा या कम ऐसा ही है मैं एक एक वीडियो देख डाला उसमें मैंने डिजाइन थिंकिंग सीख लिया जियो पॉलिटिक्स सीख लिया कुछ तो भी सीख लिया <laughs> कुछ भी सीख लिया कुछ भी <laughs> राइट मैं बोला हर वीडियो देखूंगा <laughs> मैं बोला हार्वर्ड है स्टैंडर्ड है दुनिया का सबसे अच्छा स्कूल माना जाता है राइट right. लाखों लाखों रुपए लगते हैं उसको जाने को या तो एग्जाम इतना टफ होता है वो लोग फ्री में इतना सारा ज्ञान दे रहे हैं क्यों नहीं लेना पहले ये ले लेते ना फिर बाद में जिंदगी में टाइम मिलेगा तो अप्लाई करके जाके पढ़ भी लेंगे आप बुक्स की करते हो, आप ये। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एंटरटेनमेंट में ज्यादा आए तो खराब है नहीं वो भी इंपॉर्टेंट है राइट मेरे राएग। बुक में मैंने बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स जैसे बुवन है प्राजकता है ये लोग फन एलिमेंट और वो सब करते हैं राइट विच इज ऑल्सो ग्रेट वेरी गुड राइट कविता uh, जी खाना वाने का बनाती है बताती है अभी ये न्यू इन्फॉर्मेशन देते हैं राइट सो ऑल ऑफ दैट रणवीर का अपना है तुमको पता ही है सारा कहानी तो आई एम नॉट सेइंग दैट बट मैं बोल रहा हूँ कि यार आप सोचो कितना फ्री कॉन्टेंट इंटरनेट पे सब फ्री में पड़ा है लेकिन हमारी पब्लिक नहीं देखती है सिंगल टच पर हाँ सबको ऐसा आजकल तो वो एक नया नाटक स्टार्ट हो गया वो थर्टी सेकेंड रील ये <laughs> वो बुरा नहीं है मेरे को पर्सनली लॉन्ग फॉर्म अच्छा लगता है लेकिन अभी पैसे रुपए वही बन रहे हैं ज्यादा तो ठीक है हर कुछ करना चाहिए मेरे हाँ।, हाँ मेरे हिसाब से भी ना पहले बहुत से लोग इसको वो कर रहे थे रेजिस्ट कर रहे हाँ। थे बट इतना तो है कि ना लोगों को ना अटेंशन स्पेन कम की तरफ है वो ऑब्वियसली सही नहीं है वो ऐसा लगता है मेरे, मेरे एक दोस्त है वो मेरे को बोलते हैं वो एडीएचडी को आ, केटर कर रहा है मतलब एडीएसडी एक, एक जिसमें ना आपको बड़ी बड़ी चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे अगर सिर्फ थर्टी सेकंड में बार बार हिट हो रहा है यार ऑफिस से दून, दून रहा है बुरा तो... नहीं है वो भी ठीक है ओके माय पॉइंट इज वो बुरा नहीं है वो भी ठीक है राइट right? लेकिन पॉइंट ये है कि तुम देख रहे हो तुम बनाओ Exactly. <laughs> मेरे कहने का मतलब तुम 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 देख तुम देख लिए लिए सीख अब तुम बनाओ मैं तो चाहता हूँ कि हर इंसान क्रिएटर बन जाए कौन देखेगा एक दूसरे का ही देखेगा <laughs> <एसे, laughs> देखे अभी कंज्यूमर है कि हर से, हाँ। अभी सब लोग सिर्फ हाँ। कंज्यूम कर रहे कंज्यूम करो थोड़ा हद कोई भी चीज एक्सट्रीम है मेरे पर्सनल फिलोसफी है कोई एक्सट्रीम में अच्छी नहीं होती कंज्यूम भी अगर सिर्फ एक्सट्रीम में कर तो खराब करेगी हाँ हंड्रेड राइट

आ, एरिक को बुलाया था हाँ, एरिक, एरिक जिन्होंने किताब लिखी है हाँ, हाँ। वो पॉडकास्ट आप सुनना जरूर ओके वो अब देखो यही कहानी है ठीक है हाँ। अभी रणवीर ऐसे कोई पॉडकास्ट करेगा जैसे फिल्म स्टार के साथ क्रिकेटर के साथ उसमें ऐसे व्यूज आते हैं बहुत हाँ। एरिक वाले पॉडकास्ट में जिसने ऑफ अलमे का लिखा है उसमें आई थिंक ऐसा मुश्किल से हंड्रेड के व्यू पहुंचा है उसको करके डेढ़ साल हो हाँ। गया अच्छा हमारे एक बहुत कॉमन फ्रेंड है रायन हुबर नाम है उनका प्रोडक्ट के बादशाह माने जाते हैं वो उन्होंने उस वीडियो में प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं उसका पूरा ज्ञान दिया है हाँ। और प्रोडक्ट को कैसे स्केल करते हैं वगैरह उस पे ऐसा एट्टी थाउजेंड व्यूज है <laughs> राइट <laughs> अच्छा फनी मैं बताता हूँ गैरी वेने चक राइट गैरी वेनेक तो फेमस है ना वो तो, हा? हाँ। <laughs> तो उसके वीडियो पे बिकॉज उसने ज्ञान की बातें की है उसके वीडियो में दो सौ तीन सौ के व्यू है राइट right? और ऐसे आप ऐसा मस्ती ब्लॉग डाल दो तो इसमें ऐसा मिलियन व्यू आ जाता है राइट तो यही ये ये विडम्बर ये ये, ये। ये है भाई क्यों लाए हम लोग हम भी लेके आते हैं ना ऐसा ही ऐसा स्पोर्ट्स और बॉलीवुड वही करते तो फिर हम एक दूसरे को बोलते नहीं नहीं हमको सब बैलेंस करके सारा डिपार्टमेंट हमको देखना है सुप्रिया सुप्रिया का पॉडकास्ट है उसमें ठीक है अ हमारी जो को फाउंडर है उसमें भी कुछ ऐसा हंड्रेड के ही व्यू है उसमें सुप्रिया ने पूरी कहानी बताई है जो स्टॉक्स कैसे स्टार्ट किया कैसे किया कितना मेहनत किया कैसे वो ऐसे 21 साल की थी जब उसने स्टार्ट किया वगैरह वो, <laughs> वो, वो वो देखेंगे ना तो वो मास्टर क्लास है वो वही टाइलोपस में अपना वर्चुअल हाँ। तो मेंटर मानता तो हूं उनको तो वो जाते उनका एक दोस्त था बोल रहा था, था फाइनेंशियली मैं अच्छा नहीं कर रहा हूं। वो पूछता क्या करू टाइल बस टाइल बहुत अच्छा कर रहा है मल्टी मिलियन कम्पनी बना लिया क्या वो बोलता मेरे पास कुछ पैसा नहीं है मैं क्या बुक बुक खरीदने बोल रहा था बोले बुक खरीदने के पैसे ऐसे नहीं होते तो पूछे कि तुमने शूज़ कौन सा पहने तो वो ना, वो ना जॉर्डन में कुछ तो कुछ हा थाउजेंड ऑफ डॉलर्स का उसने शूज पहना तेरे पास शूज पहनने के लिए पैसे है ये सैम वोटन की एक बुक पढ़ी जिसने सारा बिलियन डॉलर्स की कंपनी क्रिएट किया उसकी पूरी हिस्ट्री बताई उसने कैसे एग्जैक्टली किया क्या कैसा उसके अंदर ह्यूमिलिटी थी दुनिया भर के अच्छे लेसन है जो बिलियन डॉलर कंपनी बनाने बनाने की को बोले है, हाँ, तुम कौन? मेरे को बताने वाले मैं मेरे पैसे से खरीद रहा हूँ हजार के का जूता या जो भी है राइट कभी कभी ना मैं ट्विटर पे थोड़ा एक्टिव हूँ हु। मतलब आउट ऑफ ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मैं ट्विटर पे ज्यादा एक्टिव हूँ तो मैं कभी कभी देखता हूँ कि पब्लिक फालतू चीजों पे लड़ाई कर रही होती है और एक तो नया एक पूरा एक एक ना पूरा डिपार्टमेंट है मतलब डिपार्टमेंट में सेक्टर है पूरा लोगों का वो लोग ऐसा कुछ तो भी चलाते हैं टॉक्सिक कल्चर आ, हसल कल्चर इज टॉक्सिक वो हसल कल्चर टॉक्सिक है हसल कल्चर टॉक्सिक बोलने वाले लोग हैं ना ए के घरों में रहते हैं मेरे को पूछो हसल कल्चर क्या होता है जब मैं बारह साल के तेरह साल की उम्र पर फैक्ट्री पे बर्तन बनाने के लिए हाथों में मेरी आबीव भी गांठ पड़े वो हसल ही हसल के वजह से मैं जिंदा हूँ ओ आपने स्टार्टअप बनाया अब स्टार्टअप में जनरली लोग ऐसे दस दस बारह बारह घंटे काम करते हैं यार वो इसलिए काम करते हैं बिकॉज वो पैशनेट लोग हैं और जि, जिनको ऐसा लग रहा है कि अच्छा मेरी यहाँ पे शोषण हो रही है उनके पास ऑप्शन है ना छोड़ के जाने के लिए राइट अब इस पर भी लोग देखना कॉमेंट में थोड़ा कर देंगे अरे नहीं नहीं ये वो ठीक है भाई तुमको लग रहा है ना हसल हसल करना खराब है अरे हम लोग आज देखो जीशान मैं ना बिकॉज हम लोग पढ़ते हैं राइट हम लोग बुक्स पढ़ते हैं इसलिए हमको पता है आप यदि अमेरिकन रेवोल्यूशन की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की किताबें पढ़ोगे ना अमेरिका एज अ कंट्री उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ना ये वीकेंड हॉलीडे उनके हिसाब से फिर फैशन से हमारे कंट्री में आया ना कि सैटरडे संडे हॉलीडे हमको हम जब छोटे थे हमको पता था सैटरडे से हमको एक ही छुट्टी स्कूल में छुट्टी मिलती है वो छुट्टी है संडे राइट और मैं नेपाल में था तो संडे इज द फर्स्ट वर्किंग डे सैटरडे छुट्टी होती थी वहां पर हमें यह पता था अब की कंपनीज में ये फैशन हो गया है ना बाय डिफॉल्ट सैटरडे संडे छुट्टी रहता है कॉर्पोरेट्स में स्टार्टअप भी अडॉप्ट कर लेते हैं एंड ऑल दैट राइट लोगों को ये नहीं पता कि 1600 से लेके 1900 तक अमेरिका ने एक भी छुट्टी नहीं ली वो लोग ऐसा 16 घंटे काम करके उन्होंने अपनी कंट्री बनाई है पूरी और अमेरिका का मसल पावर क्या है उनका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उनका मैन्युफैक्चरिंग उनका रोड सिस्टम उनका ये उनका फिर जाके वो टेक्नोलॉजी पे आए और टेक्नोलॉजी पे आने के बाद थोड़ा सा अब रिलैक्स हो गया अमेरिका अब दिखता है कि थोड़ा रिलैक्स करता है कंट्री क्यों उन्होंने वेल्थ क्रिएशन कर लिया हम लोग तो अभी जर्नी में है ना हमको तो मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली ये मेरा ओपिनियन है मैं बहुत होशोहवास में यह बात बोल रहा हूं मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कंट्री को अगले बीस साल बहुत मेहनत करने की जरूरत है मतलब खतरनाक मेहनत समझ रहा हूँ अपने दिमाग में छुट्टी मत लो राइट right. इसके ऊपर एक कहावत भी है मैंने एक बुक में पढ़ा था वो याद नहीं आ रही है वो बुक का नाम उसके अंदर ग्रेट नेशंस आर बोर्न स्टॉइक एंड डाई इज एपिक्यूरियन या, या, या मेरे को भी याद है हां ना? पता नहीं किसने बोला हां। कि ये हां राइट ये पहले भी पढ़ा है स्टॉइक बेसिकली यही होता है कि एपिक्यूरियन लोग रहते हैं कि आज मैं जियो भाई कल का किसको पता आज यो लो हां करो मस्ती सो करो वो एक वो क्या कहावत है कि स्ट्राइक जब मेहनत करता है कल के लिए आप काम करोगे ना तब ग्रेट नेशन बनता है बर्बाद हमको बर्बाद अरे ठीक है भाई तो अभी तुम्हारे पास तुम्हारा देश है ना तो अभी करो ना मतलब अभी करो ना तुम अभी भी अंग्रेज को ही ब्लेम कर रहे हो मुगल को ही ब्लेम कर रहे हो क्या भाई वो सब अभी मेहनत करो अभी तो तुम्हारा देश तुम्हारे पास है ना अभी ये जमीन तुम्हारी है अभी तुमको कोई ये, ये नहीं बोल रहा है ना कि तुम ये नहीं कर सकते हो ना तुम अभी right. तुमको सरकार से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है hmm. इंडिविजुअल लेवल पे करो तभी होगा कैसे होगा अच्छा क्वेश्चन करना है आपको आपके हिसाब से मैं तो ज्यादातर बोलता हूँ आप कोई भी फील्ड में हो चाहे आप हाउस वाइफ हो और जी बुक के अंदर अभी कितने अलग अलग लोग एग्जांपल्स है डिफरेंट सेगमेंट ऑफ लाइफ के लोग हैं तो मेरा भी ये अब जो भी सेगमेंट में हो वहाँ पे क्रिएटर बनना स्टार्ट कर दो अपनी लाइफ को चाहिए अगर कंफर्टेबल हो तो अपनी लाइफ शूट करना स्टार्ट yeah. जो तुम काम करो मेरा एक फ्रेंड है जो ओला चलाता है मैंने बोला कि तू ओला का ही ब्लॉग बनाना चालू कर दे कोई नहीं कर रहा है वो फेमस होने के चांसेस क्योंकि अलग नहीं कर रहे बट तू कर कर तेरे बस मोबाइल है अलग अलग स्टोरीज को मिलेगी पीछे के बंदे लोग कई बार अगर कंफर्टेबल परमिशन लो हाँ परमिशन लो मैं सर, मैं सर, थोड़ा बनाता आपकी कुछ स्टोरी है तो बताओ अरे हाँ, जीशान मैं तुमको आज की बात बताता हूँ आज की बात मैं बैंक में से इधर आया राइट right? प्रभा देवी मैं जनरली जब भी उबर में बैठता हूँ तो मैं बात करता हूँ तो मैंने बोला अरे भैया आप क्या करते हो कैसे हो कहानी ये वो आ, तो मैं उसको बताया अपना थोड़ा कॉल सेंटर ये वो तो आ, भाई मैं भी कॉल सेंटर में काम किया बोला अरे क्या बात है ये वो बताया मेरे को मलाड में कहीं काम करता था अच्छा। तो बोला अभी क्या चल रहा है तो भैया बोलता है उसने मेरे को क्या बोला बताया सर एक्चुअली मैं राइटर हूँ अच्छा मैंने बोला क्या लिखते हो बोलता है सर actually, मैं बिजनेस आर्टिकल्स लिखता था फॉर डेक्कन क्रॉनिकल अरे ठीक है मेरे को क्या बात कर रहा है <laughs> बोलता है ये क्यों चला रहा है बोलता है सर वो लॉकडाउन में ना हमारा एक पूरा डिपार्टमेंट बंद हो गया तो हम लोग को नौकरी छोड़नी पड़ी है मैं तुरंत दीपांशु को फोन लगाया हमारा बिग ब्रेन काउंडर है हाँ। बोला दीपांशु ऐसा ऐसा, ऐसा कैरेक्टर में मिला <laughs> क्या बोलता है बोलता, है, बोलता है, भाई प्लीज कनेक्ट कराओ ना हम लोग एक राइटर को हायर कर रहे अच्छा। मैं उसको बोला कि देखो मैं फिर उसको बिग ब्रेन समझाया कि हम बिग ब्रेन में क्या करते हैं मैं उसको तुरंत ईमेल पे कनेक्ट किया दीपांशु को मैंने बोला भाई आप रेज्यूमे भेज दो यदि हमारी टीम को अच्छी लगी सब कुछ ठीक है तो वी कैन ऑफर यू अ जॉब एंड

उनका ट्विटर फीड यदि आप पढ़ लो ना तो आपको स्टार्टअप बनाना आ जाएगा उन्होंने अपनी पूरी नॉलेज ट्विटर पर डाल दिया नाम उनका राहुल माथुर नाम है इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं बहुत अच्छा काम करते है तो वो बिल्डिंग पब्लिक आजकल नया चला हुआ है बहुत लोग है ना कितने सक्सेसफुल स्टार्टअप जो जैसे फ्लिपकार्ट जैसे क्रेड पहले फ्रीचार्ज भी था कुनाल कितना नॉलेज बांटते हैं यारे लोग रितेश मलिक सर है विजय शेखर सर

अरे भाई ठीक है ना उसने कुछ तो भी उखाड़ा है हाँ, ये बात ऐसी है ना भाई कि देखो कोई भी परफेक्ट नहीं है भाई अगर मैं अभी ढूंढने जाएंगे ना आपको मैं बोल रहा बोरा बेस्ट से बेस्ट मूवी निकाल लो अगर कोई इंसान क्रिटिक बन के बैठेगा ना किसकी गलतियां निकालना वो निकाल लेगा दस लेकिन तुम गलतियों पे फोकस करोगे तो तुम सिर्फ गलतियाँ देखते रह जाओगे कुछ कर नहीं पाओगे तुम अच्छा ही ढूंढो लोगों में और अच्छा क्या इस बंदे से मैं क्या सीख सकता हूँ एवरीबडीज समन समथिंग्स टू टीच यू एवरी वब इंसान को सब कुछ नहीं पता है लेकिन सब इंसान को ऐसा एक चीज तो जरूर पता है जो अगर तुम सीख लो ना तो तुम्हारी लाइफ थोड़ी तो इम्प्रूव होगी <laughs> तो वो सीखने की कोशिश करो yeah. वो गोल्डन नगेट बोलते हैं हर इंसान पास नगेट है वो नगे तुम निकालने की कोशिश करो अगर ऐसा करोगे तो तुम रॉबिन बन जाओगे तो भाई एक चीज है ये तो चलो काम करना चाहिए और कुछ थोड़ा सा स्पेसिफिक बोल सकते हैं कि कैसे ये तो चलो हार्डवर्क करना है क्रिएटर को अभी स्टार्ट करना है है तो कैसे कुछ कुछ सजेशंस हाँ, मतलब मेरे को आ, मैं ना मैंने ट्विटर पे एक कम्युनिटी भी स्टार्ट किया है अभी और मैं वहाँ पे मैंने अपने आप को ये प्रॉमिस किया कि रोज मैं एक टिप शेयर करूंगा या जो भी मैंने सीखा है ये सारे क्रिएटर्स के साथ हैंग आउट करके मैं अभी भी बहुत होश हवा से ये बोलना चाहता हूँ जिसान मैंने जितना उनको कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया ना मैं उनसे सौ गुना ज्यादा मैं अच्छा सबसे हाँ। जितने भी क्रिएटर से मैंने बात किया है। आप गो गो ना, मतलब मैं ना प्रणाम करता हूँ बिकॉज बहुत हिम्मत है आप लोगों में ऐसा कैमरे पे आके सामने बात करना मेरे को ऐसा अकेला खड़ा कर दोगे ना मेरी फट जाएगी मेरे से नहीं बोला जाएगा अच्छा सच मेंशियस हो जाता हूँ तो ये सुपर पावर वो, है, वो होता है कुछ टिप्स जो मैं आपको बोल दू सबसे पहले आप जिस सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंट हो उसी के ऊपर बात करो या hmm. तो आप उस कॉन्फिडेंट सब्जेक्ट में हो जाओ जैसे आप आज बुक रिव्यू करते हो hmm. आप बुक रिव्यू इसलिए करते हो क्योंकि आपने शिद्दत से किताबें पढ़ी हैं आपको hmm. पता है hmm. तभी आप उस बुक के बारे में बोल सकते सकते हो हो उसका लेसन समराइज कर सकते हो, एक किताब पढ़ने में मिनिमम सात से आठ दिन लगता है hmm. और आप उसका क्रिस्प बारह पंद्रह मिनट में वीडियो बनाते हो इसलिए मुझे बहुत मेहनत है राइट दैट हार्ड वर्किंग नेचर दैट स्टिकिंग टू वन सब्जेक्ट पेशेंस परसिवरेंस ये सब तो कॉमन है हर क्रिएटर को बेसिक सब कुछ आना चाहिए मतलब आपको आप क्रिएटिव राइटिंग करो आपको नहीं आता आप कोर्स कर लो वीडियो एडिटिंग सीख लो आपको कैमरा कैसे ऑपरेट करना वो आना चाहिए लाइट्स की बड़ा बारे में पढ़ाई कर लो ये सब बेसिक होना चाहिए और जैसे ही आप थोड़ा ग्रो होते हो आपके पास उतना पैसा आ गया ना कि आप अभी अफोर्ड कर सकते हो कि एक टीम हायर करना तो फटाक से टीम हायर करो डेलीगेट करो मतलब अभी आप ही वीडियो एडिट मत करो मैंने रणवीर के साथ यही सबसे अच्छा काम किया उसको डेलीगेशन मैंने कंट्रीब्यूट किया right. कि मैं डेलीगेशन सिखाया और ये चीज मेरे को, को सर रिग्रेट होता है कि ये चीज मैंने बहुत लेट चालू किया हां तो रणवीर क्या बोलता था नो 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 ब्रो आई हैव टू सिट ऑन माय एडिट मैं बोला हां मतलब तू मतलब तू क्या मतलब तू सबसे बड़ा एडिटर क्या नो नो ब्रो यू डोंट गेट इट मैं बोला हां भाई आई डोंट गेट आई अंडरस्टैंड तू थोड़ा बहुत चेक कर ले बट तेरे को ही क्यों बैठना है उधर छे घंटे बोला वो छे घंटे बनाएगा तो मैं तेरे साथ दूसरी कंपनी का बनाऊंगा ये भाई बहुत बड़ा बड़ा इशू रहता है हम क्रिएटर्स क्या बताए हमको ना वो छोड़ने दिल नहीं करता अभी जब मैं स्क्रिप्ट राइटिंग छोड़ने मन नहीं करती वो मैं ही ऐसा लगता कि मैं ही परफेक्टली कर सकता हूँ कोई और कर ही नहीं पाएगा लेकिन ये मेंटालिटी से ऊपर आना ही पड़ेगा अगर तुमको बिजनेस के ऊपर काम करना है ऑन द बिजनेस बट इन द बिजनेस भाई अगर ऐसा फटाक से अगर थोड़ा बता सकते हो कि तीन स्किल या फिर पाँच स्किल जो एक नया क्रिएटर को जिसके अंदर होनी चाहिए जो अभी तुमने देखा है कि यार

कल को प्लेटफॉर्म कैसा बिहेव करेगा वो यूट्यूब के हाथ में वो इंस्टाग्राम के हाथ में तो वो ट्रेंड के ऊपर आप नहीं खेलोगे ना कि जैसे बहुत सारे लोग बोलते आरे नहीं, नहीं, रील नहीं बनाएंगे लेकिन रील को कर रहा है, तो डालो भाई करके मत डालो उधर थोड़ा सा प्रोफेशनल रखो राइट वटेवर सो उस तरीके से आई थिंक ये पांच चार पांच चीजें और अगेन क्लीशे है हजार बार बुलाए लेकिन ये मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको किसी भी चीज में क्रैक करने के लिए आपको मिनिमम थ्री हंड्रेड डेज देने हैं मिनिमम थ्री हंड्रेड डेज उसको मतलब आप ये देखो कि आप मिनिमम जो है उसको ट्राई करो कि कम कम से कम आप एक काम को एक साल अपने आपको अपनी जिंदगी में चेंज लाना है तो सिक्सटी सेवन स्टेप का एक फ्री कोर्स करना हाँ। तो एक रिसर्च में होता है था कि 66 या, या, या। और उसको स्ट्रेच करे तो छह महीना भी जाता है लोगों को सिक्सटी सिक्स डेज से मे भी कुछ रिसर्च ट्वेंटी बोलती है बट एक और सुपर स्किल मैं बताना use आपका मेडिटेशन करते हो तो उसका टाइम क्या है आपका ब्रेकफास्ट का टाइम क्या है किसके साथ मीटिंग है उसको कैलेंडर में डालो हर चीज कैलेंडर में डालो स्टार्ट यूजिंग गूगल कैलेंडर या जो भी कैलेंडर फॉर दैट मैटर इट विल सॉट यूर लाइफ ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है थोड़ा बहुत तो हमने करना स्टार्ट किया लोगों ने नोशन यू कर नो, बहुत अच्छा नो कोड टूल है वो बहुत आ, अच्छा टूल बहुत अच्छा डूल है वो उसको भी हम लोग थोड़ा कर रहे हैं वो या। ना उसने प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट लेवल पे लेके चले जाती है वो चीज अगर आप सही से करना स्टार्ट करो तो मतलब आप जो जहाँ पे जहा पे आपका प्रोफेशनल काम करना है ना वहाँ काम नहीं होना चाहिए मेरे को ऐसा लगता है जैसे व्हाट्सएप व्हाट्सएप हम लोग डेली बोलचाल के भाषा में तो अपन कैसा है वो कंफर्ट के लिए ग्रुप बना देते हैं उसी में लगे रहते हैं राइट नहीं उसको सेपरेट रखो और आई थिंक वर्क करना थोड़ा सा सेपरेट जैसे हम लोग जो स्टॉक में स्लैक यूज करते हैं सारे लोग hmm. तो हम लोग काम का सारा काम बात वहां पे होता है वो कुछ नहीं पहले हम लोग ना फेसबुक का एक टूल होता था वर्क स्पेस हम वो यूज करते थे फिर वो फेसबुक जैसा ही बन गया okay. <laughs> तो ऐसा लगता है तो फेसबुक का वॉल है राइट okay, हाँ. तो लेकिन वो भी टूल बहुत अच्छा है बट देन ऐसे थोड़ा सा डिफरेंस रखना चाहिए नोशन इज अ वेरी गुड टूल राइट है ना तो मैं ये सब मैं जिस भी कंटेंट क्रिएटर के साथ थोड़ा बहुत

राइट भुवन की बात करो तो मैंने किताब में थोड़ा लिखा इंस्पायरिंग मतलब स्टोरी अच्छा है।, है, है।, है।, है उनकी कहानी कविताज किचन उनकी तो कहानी आप पढ़ोगे ना ईशान तो आप नहीं रोए ना तो मेरे से बात करना आप इतनी मेहनती है वो इतनी मेहनती सब में से मैं थोड़ा बायस उनकी कहानी मेरा सबसे फेवरेट कहानी है ठीक है अभी थोड़ा सा टच करना चाहिए री लेट सॉरी काम करते हैं तो सोचो की पूरा घर मैनेज करना फिर कॉन्टेंट बनाना और वो सी कम्स बनारस जैसे जगह कल्चर और थोड़ा सा और सब रहता है कविता जी से तो मैं जाने वाला हूँ पुणे मिलने में तो पैर छोने वाला हूँ क्या इंस्पायरिंग है यार

अभियन न्यू का आप जानते ही हो अभियन न्यू इतना रिसर्च करते हैं वो उन्होंने पहले वो हंड्रेड डेज हंड्रेड रीजन टू लव इंडिया वो सब किया और कितना पॉजिटिव कॉन्टेंट और सारे न्यूज़ को वो सब मतलब कहानियाँ बताते हैं सब हमारे कंट्री के सार, सारी चीज़ बताते हैं वेरी 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 गुड पीपल यार आई वेरी लकी दैट यू नो आई कैन से दैट आई नो दिस गाइज एंड यू नो मैं इनको मिला हूँ इनसे बात किया हूँ हमने जब जब हम किताब कर रहे थे मैं और हर्ष भाई तो हम लोग ऐसे चार चार पांच पांच घंटे के किए okay. तो से से, उनके, उनके बात कर लिया इनको, बहुत सारे को पता भी नहीं है उनके दोस्तों से बात किया <laughs> अच्छा। तो कहानी निकालने के लिए right? <laughs> राइट जैसे भुवन की कहानी आपने आप बोल रहे पढ़ रहे थे मोती महल में गिटार हो ये सब राइट तो मतलब आप तीन हजार रुपया पर मंथ मोती महल में और आज कितनी जगह आशीष की कहानी में पढ़ोगे तो पता चलेगा मतलब उसको फिल्म लाइन में कुछ करना था आई थिंक आई एम श्योर आशी पिक्चर बनाएगा करेगा बहुत मेहनत बट आज की वही अच्छी बात ये होगी ना पहले ना गरीब आई थिंक ये बोलते पहले ना बहुत गेट कीपर्स थे अगर एक क्रिएटिव बनान है ना उसको कुछ करना है तो बहुत गेट कीपर्स के थ्रू उनको जाना पड़ेगा की यार एक प्रोड्यूसर इससे मिलना है

और वो आपको जो रेगुलर हमारे जो इंस्टीट्यूशनल पब्लिशर्स हैं, उनसे ज्यादा रॉयल्टी वगैरह देते हैं और आपके साथ साथ मिलकर पूरा है, तो तो पुराने की हाँ, तो ये, ये, ये लोग डिस्टरप्ट करने की ये सो ये क्रिएटर इकोनमी लेड पब्लिशर्स हैं ये लोग अपना क्रैक करने के बारे में सोच रहे हैं तो किसी को भी यदि आप लोग जो भी देख रहे हो आपको दिमाग में ऐसा है कि किताब लिखना है ना तो ये पेंसिल सेलेक्ट को ईमेल लिखो प्रीति जी को ईमेल लिखो हाँ बहुत 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 हम्बल मतलब बहुत प्यार से हाँ। 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 हम लोग काफी लेट हो एक्चुअली हम लोग का लेट हो गया था बट शी वॉज वेरी काइंड भी बहुत काइंड इन्होंने मीटिंग अपनी आगे शिफ्ट करी खैर थैंक यू सो मच भाई भाई ये हर्ष भाई के बारे में कुछ बताइए मैं इनके बारे में ज्यादा जानता नहीं यार हमारे एक्चुअली एक्चुअली देखा जाए तो इस किताब का नाइनटी मेहनत हर्ष ने किया है, है okay. ना मैं मैं ऐसा यहाँ पे वो वो फ्रंट एंड में हो गया वो बैक एंड हो गया okay. लेकिन हर्ष भाई बहुत मेहनती इंसान है yeah. हर्ष भाई एडवर्टाइजिंग ब्रांडिंग मार्केटिंग पढ़ाते हैं एम बी कॉलेजेस में तो okay. एक्सएलआई so, में और आईएसबी में कुछ कुछ आई फोब्स में कंसल्टेंट है इंडिया okay. के लिए लिखते okay. तो, हैं

अब ये कंटेंट पीस है अब इसको हम उठाते हैं और इसको हम पैकेज करते हैं अब ठीक है तो आपका इसका जर्नी स्टार्ट होगा फ्रॉम कॉन्सेप्ट राइटिंग स्क्रिप्ट लिखना आप डिसाइड करोगे कि मुझे मैं एट मिनट्स का वीडियो करता हूं तो एट मिनट्स के हिसाब से मैं कितना लिखूंगा तो पॉइंटर्स आप लिख लो गए, भले आप स्क्रिप्ट ना लिखो क्योंकि अभी बिकॉज आई यू हैव डन थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड वीडियो सो यू नो हाउ टू डू इट राइट उसके बाद आपको कोई भी सब्जेक्ट पे ऐसे बहना नहीं है टू द पॉइंट बात करना है राइट टू द पॉइंट बात करने के बाद जब एडिट करते हो तो एडिटिंग में ना ये आपका प्रोडक्शन क्वालिटी आप धीरे धीरे बढ़ाते जाओ मतलब आप पहले नॉर्मल एडिट करते थे आ, कट कट अपलोड राइट फिर आप धीरे धीरे सीख गए उसमें थोड़ा सा मोशन ग्राफिक डाल दिया आपने जब किताब के बारे में बात कर रहे हो तो उसमें बी रोल आ गया ये सब करोगे तो एक एक क्वालिटी बढ़ती है वीडियो की राइट तो वो ऑडियंस का अटेंशन स्पैन रहता है उस वीडियो के अंदर राइट कौन सा पार्ट कब बोलना है और आप जैसे दस मिनट का वीडियो करते हो ना तो आप दस मिनट का वीडियो मत करो आप एक मिनट का दस वीडियो सोचो उसी वीडियो को Okay. और हर मिनट में कैसे आप इन्फॉर्मेशन पैक करते होनाल मतलब तो right. तो तो बार, के बारे में सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है hmm. कौन सा कलर यूज करते हो आप कितने टेक्स्ट डालते हो तो आपके थमनेल में तीन से चार से ज्यादा टेक्स्ट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से क्योंकि वो बहुत काम किया हम लोग के लिए राइट क्यों क्योंकि लोगों के पास ना अब आप, आप वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं पढ़ने का टाइम नहीं है लेकिन दो तीन वर्ड जो उसका अटेंशन कैच करेगा वो इंपॉर्टेंट है पिक्चर कैसा यूज करते हो हाई डेफिनेशन पिक्चर यूज करो ताकि वो कॉन्ट्रास्ट का अच्छे से आए टाइटल जब आप लिखते हो तो विड आई क्यू जैसे नो सोशल ब्लेड जैसे टूल्स यू नो और ऐसे बहुत सारे टूल्स है राइट ट्यूब बड्डी एक ट्यूल है तो ये टूल्स में आप की रिसर्च करो कि कौन से की को ज्यादा सर्च वॉल्यूम है उसके आपके सब्जेक्ट के हिसाब से वो की डालो राइट सो जैसे

ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है इसका ऑप्शन नहीं है मैं आपको बहुत एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ गूगल इज द लार्जेस्ट सर्च इंजन इन वर्ल्ड राइट सारा कुछ बैंड यूट्यूब गूगल पे ही है सब कुछ बराबर राइट सो और वो सर्च इंजन में काम करता। और आजकल तुम डालोगेक्टली तो करेक्ट exactly. क्योंकि वो खुद का ही है ना प्लस उन्होंने ट्विटर के साथ भी एक एक जेवी कुछ किया था ट्वीट्स भी होता है तो ट्विटर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसान आप ट्विटर स्टार्ट करना हाँ मैं हाँ नहीं कर नहीं ट्विटर पे स्टार्ट करो प्लीज़ ट्विटर बहुत इंपॉर्टेंट है राइट right? uh, उसके बाद uh, जो है कि uh, ये हो गया आपकी पैकेजिंग राइट right? फिर डिस्क्रिप्शन पे आओ तो डिस्क्रिप्शन आप जब लिखते हो तो ये मैंने ना एक पैटर्न अपने दिमाग में इसलिए बिठाया भी हम लोगों ने बहुत बार प्रैक्टिस किया है और ये काम आया तो पहला पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन है ना उसमें ना आप ये लिखोगे कि इस वीडियो में क्या है और वो डिस्क्रिप्शन एक्चुअली कोई पढ़ता नहीं है ज़्यादा

सिकेंड सिकेंड बुक रिव्यू ऐसा जो सिकेंड के टॉप टाइम चैनल थे तो थर्ड चैनल है ना थर्ड थर्ड लेयर जो आपके जैसे और वीडियोज बनाते हैं ना पूरे इंडिया में आउटसाइड वो कौन से यू नो टैग्स यूज करते हैं जो आप यूट्यूब के बैक पर जाओगे ना तो आपको एक लेयर दिखाएगा जहाँ पे दिखाएगा कि आपका जो कॉन्टेंट देखते हैं वो कैसे कैसे कॉन्टेंट क्रिएटर्स के यूट्यूबर्स का नाम दिखाएगा तो उनके कुछ आप विडाइक से देखोगे तो उनके टैक्स दिखता है तो उनके पॉपुलर टैक्स डालोगे तो आपका वीडियो जो है जब उनकी वीडियो चलेगी ना

अभी कौन आ, सीकेन का यदि मैप अच्छा है तो सीकेन का आएगा किसी और का आएगा तो किसी और का आएगा तो अंकुर साहब ने तो अंकुर का किताब का आएगा वगैरह वगैरह राइट हुँ, फिर मैंने मान लो कि मैंने अंकुर साहब का हैबिट्स का मैंने बुक रिव्यू देखा तो अभी बिकॉज उनका हैबिट देखा ना तो मेरे को दिखाएगा कि हैबिट का किया है तो मैं क्या करूंगा मैं साइकोलॉजी मेरा कैसा काम करेगा यार अंकुर साहब का मैंने देख लिया का भी देखता हूं। में ने अलग कुछ तो बताया होगा तो मैं आपका से ज्यादा ने बहुत दिमाग क्लियर करने वाला किताब लिखा <laughs> <laughs> तो ये ऐसे यूट्यूबेड मतलब यदि मैं बुक रिव्यूज के बहुत ज्यादा देखता हूँ तो YouTube मेरे को एल्गोरिजम मुझे वैसे टाइप के वीडियोस सजेस्ट करेगी

फिर एक और रिव्यू चैनल 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 में में का 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 नाम नाम भूल भूल रहा रहा पिंक कलर ब्रांडिंग है 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 उसका पूरा मैं मैं क्यों उस का यार वो उसके मैं बहुत देखा है मैंने। वो वो उसके बहुत देखा मैंने भी एकदम हेलो दोस्तों ऐसा करके हिंदी बढ़िया बताता ठीक अच्छा। तो आ, वो, अभी के के तो मेरे, मेरे, राइट क्योंकि मैं ऐसे वाले वीडियो जादा जादा यू काइंड ऑफ पैकेज एंड नो दिस थिंग ये थोड़ा सा आपका छोटा मास्टर क्लास था इसका ये हम में करेंगे <laughs> मैं मैं तो छोटा सा कोर्स बन गया क्या। <laughs> तो बहुत सारी उन्होंने फटाफट फटाफट बहुत बता दी। Actually, तो, सब करेंगे। तो, तो ये, ये बेसिक है तो ये 8-8 घंटे एक एक टॉपिक पे बात कर सकते हैं बात यह लग रहा है टाइम कम है भाई को भी ना जाना भी है काफी सारा शेड्यूलेंडर कैलेंडर मैंने देख चुकी एकदम और ये काफी इंपॉर्टेंट लेसन अभी शेयर ही किए थे हर चीज को कैलेंडर में डाल के रखो आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज रहेगी और मेस्टअप नहीं रहेगी ज्यादा yeah. तो वो चीज़ है ऑलरेडी वापिस से करेंगे भाई मैं पक्का वापिस से करना चाहूंगा एक बार और कभी कमेंट में जरूर आप लोग मुझे सजेस्ट करना कि क्या आपके क्या कुछ क्वेश्चंस हैं मनीष भाई से तो वो मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो वही वाले क्वेश्चंस ज्यादा right. पूछूंगा आपसे ठीक है भाई थैंक यू सो मच थैंक यू के बारे में तो ज्यादा था भाई को मार्केटिंग पसंद नहीं है वो पब्लिशर लोग से हम बात करते हैं नहीं लेकिन तो ये बुक अच्च्चुली... आप इसका ना वो एक काम करना बस कि लिंक में इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल देना डिस्क्रिप्शन में जरूर डालूंगा ये बुक इसके अंदर है ना भाई ने जितने भी बहुत सारे क्रिएटर्स से मिले हैं उनकी स्टोरी

Thank you so much.